अपनी सब राज अल्लाह को बताया करो, उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। अपना मामला अल्लाह के सुपर्द करके अब मुतमईन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे नामुमकिन काम पर भी कुन फरमा देगा और जल्द ही तुम्हारी सारी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाएगी और तुम्हारा हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाएगा। क्या आप जानते हो कि मुआवजे कैसे होते हैं? तुम अल्लाह पे अंधा यकीन रखते हो और जल्दबाजी नहीं करते, तब अल्लाह तुम्हारे लिए छोटे छोटे ज़रिए बनाता है, फिर वो छोटे छोटे ज़रिए तुम्हें तुम्हारी कबूलियत तक ले जाते हैं। मुआवजे कभी भी अचानक से नहीं होते, मुआवजों के लिए तुम्हें आजमाइशों से गुजारा जाता है और फिर वो आजमाइशें ही तुम्हें उन हैरतअंगेज़ मकामात तक ले जाता है। सुनो, इंतज़ार ख़त्म, अब दुआओं के कबूल होने का वक्त आ गया है। तुम्हारी नसीब का तुम ही को मिलेगा, फिर चाहे दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत जिसमें अल्लाह तुम्हें संभाल रखा है। तुम्हारे दिल में आने वाले हर ख्याल का अल्लाह को इल्म है, वो जानता है तुमने अपने अंदर क्या छुपा रखा है। तुम्हारा नमाजों में यूँ रोना और आसमान को यूँ खामोशी से देखना, वो इन सब से वाकिफ़ हैं। सब्र और यकीन रखो, जल्द अल्लाह तुम तक अपनी मदद भेजेगा। अल्लाह ताला जब दुआओं का फौरन जवाब नहीं देता तो वो बार बार मांगी हुई दुआएं मुआवजे बन जाती हैं।